उनकी बात हो रही है अभी नौकरशाही.com के बिहार ब्यूरो प्रमुख दीपक कुमार से। सर एक बात बताएंगे, जल जीवन हरियाली, ये क्या लगता है आपको? अभी 2020 में जो विधानसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐसे में हर जगह इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, ये क्या है जल जीवन हरियाली? देखिए कुछ नहीं है, लोगों का आयुवास है। जो 7 निश्चय नीतीश कुमार जी का था, जिसमें नल जल और क्या क्या बोल रहे थे, सब मोर्चा पर फेल है नीतीश जी, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो इनको लगता है कि कुछ नई बात लोगों के बीच ला दो ताकि लोग पुरानी चीजों को भूल जाए, बस यही मकसद है और कुछ भी नहीं है इसके पीछे। अरे श्री, एक आखिरी सवाल आपसे कि 2020 में बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो चेहरा कौन होंगे, मुखिया कौन होंगे? इशू यह नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, इशू यह है कि नीतीश कुमार हटे कैसे, और नीतीश कुमार को हटाने में हम सब लोग लगे हुए हैं, बाकी दूसरा कोई इशू हम लोगों के सामने नहीं है। और अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो पहली प्राथमिकता क्या होगी सरकार की? पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों के लिए। बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं ठीक से, सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तब तक कहां विकास की बात की जा सकती है। तो बच्चों की शिक्षा, उनका रोजगार, और गरीब लोग जो इलाज के अभाव में दम तोड़ते हैं उनके लिए इलाज, यह हमारी प्राथमिकता होगी। नौकरशाही.com से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।